नील प्रभा गुरुजी, जब हम रीडिंग करने के बाद कौन सी रेमेडीज बता सकते हैं, जो रेमेडीज जो मार्केट में जो आजकल जो चल रही हैं, ज्यादातर जो लोग जिसको यूज करते हैं, सिंपली एक तरह का एक झूठ है जो चलता है, थोड़ा सा समझने की बात है। और ऐसी बात भी नहीं है कि वो जो बताया जाता है कि उसमें जो है उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, सच्चाई है लेकिन वो जो बता रहा है वो उसके अनुभव की बात नहीं है। कि समझो किसी ने जो है एक एक छोटी सी एक बात बोल दी कि भाई गाय को खाना खिलाना है, एक एक तरह से रेमेडी जो है आपने किसी को बताई कि गाय को खाना खिलाना है, लेकिन ये जो बात जो है जो तुमने उस व्यक्ति को बोली ये तुम्हारे अनुभव से नहीं आई, ये तुमने जाना नहीं, ये कहीं पढ़ लिया, ये तुमने कहीं जो है सुन लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गाय को खाना खिलाना, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करता, लेकिन क्या काम करता है, क्यों काम करता है, इसके पीछे क्या साइंस है, उसका तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। कि तुमने किसी को बोल दिया ये स्टोन पहनो वो स्टोन पहनो, अब ये जो तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है कि किसी को गुस्सा आता है तो उसको जो है तुम जो है पर्ल पहना दो, किसी को जो है नीलम पहना दो, किसी को जो है ये अलग अलग जो स्टोन्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो तुमने सुना हुआ है तुम दूसरे को सजेस्ट कर देते हो, लेकिन ये तुम्हारे अनुभव की बात है, क्या ये तुमने जाना है, ये क्या तुमने अनुभव करा है उस चीज को। ये साइंस जो है कहीं ना कहीं अकल्ट की एक पॉजिटिव साइंस है जो कि बहुत कम लोगों को कहीं ना कहीं इसके बारे में पता है। एक ये जो बात है ये सिर्फ गुरु कहीं ना कहीं तुम्हें बता सकता है कि तुम्हें एक्चुअली में तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, वो तुम्हें असली रेमेडी दे सकता है। अगर इस तरह की रेमेडीज की जो अगर हम बात करें तो रेमेडी वो नहीं होनी चाहिए जो तुमने सुन लिया है पढ़ लिया है कहीं ना कहीं जो है तुम्हें लगता है कि या कोई वीडियो तुमने देख लिया तो तुम उस तरह की रेमेडी जो है किसी को तुम सजेस्ट कर रहे हो। रेमेडी वो देनी है जो तुम्हारे अनुभव की बात है, जो तुमने जिया है, जो तुमने देखा है, जो तुमने जो है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, रेमेडी वो है। एक छोटी सी एक जब मैं बात कर रहा हूं कि गुरु की बात जब मैं कर रहा हूं तो गुरु को बहुत कुछ दिखता है, गुरु को जो है एक गहरे अनुभवों से जो है उसको भीतर से जो है क्लैरिटी आती है कि दूसरे व्यक्ति को क्या बोलना है। और गुरु कुछ भी ऐसा नहीं बोलता कि जो उसके अनुभव की बात ना हो, गुरु पढ़े लिखे में जो है बिलीव नहीं करता, गुरु अपने अनुभव के ऊपर बिलीव करता है। गुरु की जो है खुद की जो आंख जो है उसने खुद जो है अनुभव करा है, उसने खुद जो देखा है उसके कारण ही वो दूसरे को सजेस्ट करता है। तो गुरु अगर बोलता है तुम्हें कि एक गाय को खाना खिलाओ तो वो उसके पीछे की पूरा विज्ञान तुम्हें बताएगा, अगर विज्ञान ना भी बताए तो लेकिन उसको पता है कि वो तुम्हें क्या बोल रहा है, उसको पता है कि उसको तुम्हें क्या सजेस्ट करना है, वो कोई हवा में तीर नहीं चला रहा, उसको पता है कि उसने कहाँ तीर चलाया है। परमहंस योगानंद जी की किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें जो परमहंस जी के जो गुरु हैं श्री युक्तेश्वर जी, उनसे अगर हम जो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ये ऐसे गुरु हैं जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, बल्कि हर गुरु रखता है, लेकिन ये गुरु ऐसे हैं जिन्होंने इस साइंस को थोड़ा यूज किया। सिर्फ मेरे देखे मेरे जाने जो हैं सिर्फ एक ही गुरु वो ऐसे रहे हैं श्री युक्तेश्वर जी, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस को जो है यूज किया। उनके पास एक कहानी है उनके जीवन की, उनके एक जीवन की एक एक घटना है कि जहां पे उन्होंने एक व्यक्ति को बोला कि तुम दो नीलम खरीदो और फटाफट पहनो नहीं तो तुम्हारा जीवन जो है खतरे में है। उस वक्त जो है उस व्यक्ति ने जो है उनकी बात को जो है तोल नहीं दिया, सीरियसली नहीं लिया, और वो व्यक्ति जो है बहुत जो है बुरी तरह से बीमार पड़ा।
और ऐसा बीमार पड़ा कि मृत्यु के कगार पे आ गया। फिर उनको जो है युक्तेश्वर जी की बात याद आई कि गुरु ने बोला था नीलम पहनने को, वो भागा उनके पास, गया उनके पास, उन्होंने बोला कि गुरु जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस वक्त आपकी बात नहीं सुनी थी, अब मैं तैयार हूं पहनने के लिए, अब मुझे बताइए अभी क्या करना। बोलते हैं उसका समय गया, अब जब उस वक्त तुम्हें बात बोली थी तो मुझे, मैंने जो है तुम्हारे को, तुम्हें कुछ चीजों से बचाना चाहता था, उस वक्त तुमने मुझे सीरियसली नहीं लिया। तो सिर्फ इस स्टोरी से सिर्फ जो है मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा हूं कि गुरु को जो है चीजें दिखती हैं, और ये सिर्फ युक्तेश्वर गिरी की बात नहीं है, हर गुरु पहुंचा हुआ एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी की जो असली गाइडेंस है क्या है? एस्ट्रोलॉजी की असली गाइडेंस है जहां पे एक व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं, एक ऐसी इंटेंशन लेके जा रहे हैं कि जो जिसका एक विजन है, जो ज्यादा देख सकता है, जो तुमसे ज्यादा उसकी आंख बड़ी है, और अगर हम इस व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो चीजें जो है हमारे को सजेस्ट करेगा कि हम अपने जीवन में किस तरह से जी सकते हैं, क्या हमारे लिए ठीक रहेगा। एक एस्ट्रोलॉजर जो असली जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहीं ना कहीं गुरु है, और वो गुरु कुछ ऐसा समझो कि जैसे वो पेड़, जैसे वो एक हाइट पे बैठा हुआ है और वो देख सकता है चीजों को जो है आते हुए होते हुए, और तुम जो है जमीन पे खड़े हुए, तुम्हारा विजन बड़ा लिमिटेड है, लेकिन ये जो गुरु है वो एक हाइट पे है और वो चीजों को देख सकता है। और सारा इंटेंशन यही था, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, उसके पीछे जो शुरुआत में जो एक इंटेंशन थी यही थी कि हम गाइडेंस के लिए जा रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को जो है बदल सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में जो है जो हमारी परेशानी है वो दूर हो सकती है। और हम उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जिसने जीवन देखा है, जो जीवन में गहराई में गया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे वो सारा का सारा जो प्रोफेशन है उस, मतलब जो ये जो जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना था वो एक प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। और वो प्रोफेशन क्या हुआ, वो सारा का सारा जो उसका जो एसेंस था वो सब गायब हो गया। सारा एसेंस ये था कि हम एक गुरु के पास जा रहे हैं गाइडेंस के लिए, और गुरु जो भी बोलेगा उससे जो है हमारे जीवन में जो है प्रकाश आएगा। लेकिन कैसे जो है मार्केट में वो चीज जो है मार्केट प्लेस के अंदर कन्वर्ट हो गई कि लोग जो है उसको, लोगों ने उसको प्रोफेशन बना लिया, लोगों ने उसको जो है एक धंधा बना लिया, लोग उसको जो है उसको इस्तेमाल करने लग गए धन कमाने के लिए। तो जब तुम बोलती हो नीलप्रभा कि रेमेडीज क्या है, रेमेडीज बता सकते हैं क्या, रेमेडीज वो बतानी है जो तुम्हारा अनुभव है, तुम्हें वो बात नहीं करनी जो तुम्हारा अनुभव नहीं है। तो तुमने पढ़ लिया किताब में या किसी YouTube वीडियो में देख लिया या किसी से सुन लिया या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जो है तुमने जो है उससे थोड़ा सा जो है लर्न कर लिया, तो उसकी बताई हुई वीडियो को जो है तुम आगे बांटना शुरू कर दिया कि भाई किसी की लाइफ में ये परेशानी हो तो उसको ये विधि, ये रेमेडी बता दो, कि इसकी लाइफ में ये परेशानी हो तो उसको वो वाली जो है रेमेडी बता दो। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ नीलप्रभा कि तुम्हारे जीवन का क्या अनुभव है, तुमने अगर असली में रेमेडी अगर किसी को देनी है तो रेमेडी वो दोगे जो तुमने अपने जीवन में पाया है, जो तुमने अपने जीवन को जो है एक्सपीरियंस किया है। वो रेमेडी किसी काम की नहीं है जो तुम जो है किसी और के शब्दों को जो है तुम अगर किसी को दे दोगे। रेमेडी दी जा सकती है, रेमेडी दी जा सकती है अपने जीवन से, तुम्हारे अनुभव से। जब तुम अपने अनुभव से जब तुम किसी से कुछ बोलते हो, जब बात करते हो, तो उसको छूता है। अगर तुमने जो है अपनी सच्चाई से, अपनी ऑनेस्टी से जो है, अपनी ईमानदारी से जो है अगर कुछ बात बोली
तुम्हारे गहरे तल से जो है, अगर तुमने किसी को हेल्प करने की कोशिश करी, उससे बड़ी रेमेडी और क्या हो सकती है? और वो दूसरे को छूती है वो बात, वो रेमेडी कि भी गाय को जाकर खाना खिला दो, वो सिर्फ एक ऊपर का एक एक्ट रहेगा, उसके अंदर तुम इन्वॉल्व नहीं होगे, तुम उसके अंदर जो है सिंपली एक तरह की एक्सरसाइज होगी। तो अगर किसी को जो है सही गाइडेंस देनी है तो अपने जीवन से देनी है, इस चीज को याद रखना।